हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, अक्सर मेरे व्यूअर्स कहते होंगे ये परेशानियां बड़ी सुनाता है, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान में बैठ के जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो स्पेक्ट्रम्स के ऊपर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई इनकरेजिंग न्यूज़ उस तरह नहीं आ रही। दोस्त भी परेशान है, दुश्मन भी परेशान है, इवन के अगर पाकिस्तान किसी से पैसे मांगने जाता तो वो भी परेशान होगा कि ये फिर मांगने आ गए हैं, और कोई हमको रेस्क्यू भी नहीं करना चाहता हमारी हरकतें इस तरह की। एनी हो, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि डॉलर जो है वो 212 रुपए का हो गया, और आईएमएफ की जो डील है उसका अभी कोई पता नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ डॉलर है, और रुपये की कदर सबसे तेज़ी से कम हुई है। अब जो फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तो ये कहा जनाब के और जैसे 2 रुपये भी डॉलर कम हुआ एक दिन, ठीक है, ये उनकी जो है वो अभी वो कह रहे हैं। और अगर ये 212 जो है वो अगर वहाँ पे डॉलर चला जाता है, इंटरबैंक जो है वो ट्रेड इतने पे जाती है 212 पे, तो आप इमेजिन करें मार्केट में डॉलर की क्या पोजिशन। अभी तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और आप अगर मार्केट में जाएं तो मुझे लोग बताते हैं कि आपको डॉलर नहीं मिलेगा। अच्छा, उधर से अगर आप खबर देखें कि वो एक और परेशानी वाली खबर है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो KSE 100 इंडेक्स है वो 748 पॉइंट्स पे आ गया, जिसे आप कह लें कि एक IMF का जो अगर $1 बिलियन की हमारी जो हमें मिल जाए, एक उसकी किस्त मिल जाए, तो हम जो है वो कहाँ पे कहाँ पहुँच सकते हैं। और ये जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है अगर वो नीचे आती है इसमें, और जो थोड़ी सी तेज़ी जो नज़र आ रही है, ठीक है 748 पॉइंट पे 748 पॉइंट्स पे जाना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो ठीक नहीं। और मज़े की बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से चल रही है, लंदन से चल रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनावला ने कहा कि जो इसहाक डार साहब हैं, जो पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और जो नवाज शरीफ साहब के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग समदी भी हैं, आई थिंक नवाज शरीफ साहब की, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी जो बेटी है उनकी, या उनकी नवासी है शायद, उनकी शादी जो है वो इसहाक डार से के बेटे से हुई है। और अब आप इमेजिन कर लें कि लंदन से बैठ के पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, और अब लंदन से बैठ के जो ऊपर यहाँ पे आपके अम्बेसडर जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो आपके पॉलिटिशियन है उनका क्या किरदार है, या उनकी क्या रह जाती है कि उनकी क्या वैल्यू रह जाती है, जब आपको पता है कि आपने फैसला जो है वो कहाँ से लेना है, वो लंदन से लेना है। हमारी पिछले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं लोगों को सुन रहा था, समझ रहा था, जो हमारे जिसे आप कह लें कि जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे या जो पॉलिटिशियंस भी थे या जो स्टेक होल्डर्स थे, वो कहते थे हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान को मजीद $37 अरब चाहिए ताकि वो अपने कर्जे दे सके, पेमेंट्स उतार सके, ठीक है जनाब। अब उधर डॉलर 212 पे चला गया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दी है अमेरिका से, जिसका IMF के ऊपर इन्फ्लुएंस है, कि वो हमारी मदद करें। अब अमेरिका किस हद तक हमारी मदद कर रहा है, ये वो अमेरिका है जिसको हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब गालियां देते रहे और कहते रहे मेरी हुकूमत तुमने गिराई है, और नई हुकूमत ये कह रही है कि IMF हमारी बात नहीं सुन रही, IMF हमें मुँह नहीं लगा रही, तो आप ऐसे करें कि आप हमें अमरीका को कह रहे हैं कि आप IMF को समझाएं। जब $1 अरब के लिए अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो IMF को समझाए, चीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कर्जा रोल ओवर करे, UAE से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर्जा रोल ओवर करें, सऊदी अरब से कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज तो दिया हुआ है, जो पड़ा हुआ है हमारी स्टेट बैंक में उसको रोल ओवर करें, तो हमें तो बताया जाता था हम मुस्लिम उम्मा के लीडर, हमें तो बताया जाता था कि जनाब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जो है वो बस आलम इस्लाम जो है वो सिर्फ इमरान खान का इशारा देख रही है, और आलम इस्लाम बस देख रही है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं,
उधर मूडीज जो इन्वेस्टर सर्विसेज है उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पहले ही नेगेटिव कर दी हुई है, स्टेबल से नेगेटिव किया है। तो पाकिस्तान एक ही शर्त पे ऊपर आ सकता है और वो IMF है। पाकिस्तान की इस वक्त जो टॉप के बिजनेसमैन है वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि IMF तो आपको जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा सांस देगा, आप वैसे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर चाहिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके सिस्टम में पंप इन हो, अदरवाइज निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। कौन इतनी जल्दी वो पैसा भेजेगा? कौन इतनी जल्दी वो सब कुछ करेगा? कौन हमारी बात सुनेगा? ये क्वेश्चन है। रिसेंटली जो एक पाकिस्तानी अहदेदार है जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में है, उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने ये कहा, जो सऊदी अरब के फरमारवाए मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को हम 20 अरब डॉलर देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जारी बात है इसके बगैर तो नहीं होता, तो वो जारी बात है सारा पैसा फिर कहीं ना कहीं स्लिप तो होना, वो स्लिपेजेस कैसे रुकेंगे? हर मुल्क जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है वो जब अपने जो फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट है उनसे पूछते हैं कि बताएं, तो उनको बताया जाता है कि पैसे की स्लिपेजेस कहाँ पे होती हैं, ब्यूरोक्रेसी कितना खाता है, अदारे कितना खाते हैं, सियासतदान कितना खाते हैं, कौन कहाँ पे कितना पैसा खा रहा है। इस वक्त की पोजीशन जो आपको मैं हैरान को नगर स्टोरी बताऊं कि पाकिस्तान का जो मेन GT रोड है उसको गिरवी रखा जाएगा, GT रोड को गिरवी रखा जाएगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो एक सड़क है इस्लामाबाद की, जो इस्लामाबाद में एंटर होते ही, उसका तो वैसे हाल ही कोई नहीं, अगर आप वो सड़क पे जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं किसी इथोपिया की सड़कों पे आ गए हैं। अगर आप इस्लामाबाद से एंटर हों रवात साइड से तो आपको पता चलेगा, मेन GT रोड रवात साइड से एंटर हों तो दाएं बाएं ऐसे गंद पड़ा होता है, ऐसे होता है जैसे इस जगह में कभी कोई पता नहीं सदियों पहले कोई यहाँ पे आया था, हालांकि इस्लामाबाद वहीं से शुरू हो जाता। अभी उसको वो जो है वो गिरवी रखने लगे। इस्लामाबाद के पास एक मेट्रो था, अभी भी है मेट्रो सर्विस, बस सर्विस जो कि पिंडी से शुरू होती है इस्लामाबाद आती है, उसको गिरवी रख रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के जितने भी जो PTDC होटल्स थे, जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल थे, उनको भी गिरवी रखा जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको भी गिरवी रख रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इज द स्टेट डजंट हैव द मनी, पैसा नहीं है पास, कैसे चलाना है मुल्क को। अब वो सारी की सारी, अगर आप वो कहते हैं जी पैकेज IMF से, हम कहते हैं जी पैकेज का साइज बढ़ाओ, तो वो पैकेज का साइज कैसे बढ़ेगा? वो तो नहीं बढ़ा रहे। हमें पहले तो समझ आ गई थी 6 अरब से 8 अरब डॉलर पे चले जाएंगे, हमने IMF के कहने पर तेल बढ़ा लिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में तेल बढ़ा, पाकिस्तान में अकेले में तेल नहीं बढ़ा। ये इमरान खान होता, नवाज शरीफ या कोई भी होता तो तेल बढ़ना ही बढ़ना था। सो हमारे पास ये है कि डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं है, IMF का हमें पता नहीं है कि क्या करेगी, अभी तक उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, IMF ने इशारे भी नहीं किया। उधर से इमरान खान सड़कों पे हैं, तो अब आप देख ले बजट पास होना है 28 जून को, जो भी उन्होंने चीजें करनी है अब फाइनल। अच्छा, जितना भी बजट पाकिस्तान में ये जो बना है, ये बजट तो कोई चीज नहीं है भाई, जब ये ही नहीं पता कि पैसे तो आने हैं, अभी पैसे तो है नहीं है। जो पैसे आने हैं, जिस पैसे ने अभी पाकिस्तान में आना है IMF से या बाकी जगहों से, वो आएंगे तो ये 9.5 ट्रिलियन डॉलर रुपीस का जो बजट इंप्लीमेंट होगा। सो ये जो क्रेडिटर्स हैं, जो ग्लोबल क्रेडिटर्स हैं, ये भी हमारा मजाक उठा रहे हैं, देख रहे हैं, और हमने अपना मजाक खुद उड़ाया हुआ है अपने खर्चे बढ़ा के। जारी बात है उस पर तो कोई बात नहीं करता, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह का, वो लोग कहेंगे लो जी आप ये तो फिर अभी तो इस तरह की बातें ना करें, अभी तो इस तरह की बातें ना करें। सो ये जो है वो जारी बात है, बड़ा बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है उसके जो रिजर्व्स हैं वो 9 बिलियन डॉलर पे आ गए। टोटल रिजर्व पाकिस्तान में इस वक्त 15 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, और उसमें प्राइवेट बैंक्स भी पड़े हुए हैं। अच्छा, मजे की बात है कि पाकिस्तान में हज सीजन है,
हज, पाकिस्तान ने क्या, दुनिया में हज सीजन है, 4 लाख पाकिस्तानी जा रहे हैं हज करने, और वो 4 लाख पाकिस्तानी जो है उनको डॉलर चाहिए, वो रियाल भी नहीं मांगते, लोग डॉलर मांगते हैं, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। तो जब मार्केट में जाते हैं पता चलता है डॉलर 212 रुपये का है, तो वैसे ही आपको पता आजकल तो अंगूठे लगा के डॉलर पाकिस्तान में मिलता है, ये तो वैल्यू है, अंगूठे लगा के डॉलर मिलता है पाकिस्तान में, आप अंगूठा लगाएंगे आपको $500 मिल जाएगा, ताकि हुकूमत पता करना चाहती कौन कितने पैसे लेके निकल गया, कौन कितने पैसे लेके निकल गया, हुकूमत ये पता करना चाहती है। और हम असी इतने बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि साड़ी मदद करन आ जाए, जिस मुल्क की सड़कें, जिस मुल्क की स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिस मुल्क की जो मेजर शाहराहें हैं वो आप आपके उसमें आ जाएं, कर्जों आपको उसको गिरवी रखना पड़े, देना पड़ जाए, तो अब आप बताएं, हमने जब शुरू में हमें पता चला कि मोटर पे गिरवी रखी, तो मैंने कहा पता नहीं ये कैसे गिरवी होता है, ये क्या होता है, आई वॉज नॉट मच इन टू दिस इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम। अभी तो रोज हम इकोनॉमी समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, कोशिश करते हैं, उसकी वजह यह है कि जितना समझेंगे उतना पता चलेगा कि हम किधर खड़े हैं। अब ये जो हमारे पास IMF ने खामोशी इख्तियार की हुई और और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं भाई एक आधे दिन में हमें IMF बता देगा, एक आधे दिन में हमें IMF बता देगा, लेकिन कुछ पता नहीं है। सो ये जो चीज़ है ये कि जिसे आप कह लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर सख्त किस्म का हैजान है, और लड़ाइयाँ लैदा हो रही हैं, इस्टैब्लिशमेंट को लैदा PTI वाले गालियाँ दे रहे हैं और देख रहे हैं और कह रहे हैं जी जनाब आपने इमरान खान को फारग कराया, तो ये चीज़ें तो हैं, फिर ये समझ तो आती है कि भाई क्या हो रहा है। हालांकि इस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो कहते थे हम इमरान खान की भी मदद कर रहे हैं, अब इमरान खान कहता है नहीं ये मेरी मदद नहीं कर रही, ये किसी और की कर रहे हैं, उनके मसाइल लैदा पड़े हुए हैं, इस्टैब्लिशमेंट के मसले लैदा हैं। फिर हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर सारी बात है बहुत ज़्यादा है, जो कि सारी बात नीड है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, इतना बड़ा जो हमने स्टेट अपने ओवर स्ट्रेच हो गई ना, हमारी स्टेट ओवर स्ट्रेच, तो ओवर स्ट्रेच स्टेट जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी, ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, आई एम श्योर इसका कोई ना कोई जवाब देगा, जल्दी जवाब देगा। लेकिन अगर IMF हमें इस वक्त $1 अरब देगा तो हम जो है ना वो रास्ते पर चलेंगे, वरना डॉलर ऊपर जाएगा इसी तरह, रुपए की कदर कम होगी, और जितना डॉलर बाहर जाएगा $9 अरब रह गया, अब कहाँ से ये मैनेज करना है। इमरान खान साहब तो हमें बड़े शौक से कहते थे जनाब वो फॉरेन रेमिटेंस बड़ी आ गई जी माशाल्लाह, इस महीने इतने $1 मिलियन आ गए। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो फॉरेन रेमिटेंस है ये तो कमज़ोरी है, ये तो हम डिपेंडेंट हैं, मुल्क के अंदर बिजनेस एक्टिविटी इस तरह नहीं है, एक्सपोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, जिस बिजनेस सेक्टर को आप हुकूमत इतने इंसेंटिव देती रही वो तो किसी काबिल की नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं और इंसेंटिव मांग रहे हैं, आप एक्सपोर्ट सेक्टर से जाके पूछे वो और इंसेंटिव मांग रहे हैं। हुकूमत ने गाड़ियाँ वैसे बैंक बंद कर दी, अगले दिन मुझे किसी ने बताया कि वो बैंक गए गाड़ी लेने, क्योंकि पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कैप लगा दिया, कोई पाकिस्तानी जो है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा ऑटो फाइनेंस नहीं करा सकता, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी होती थी, तो 1-1 बंदा जो है वो करोड़ करोड़ की गाड़ी ले जाता था, और फिर यहाँ पे लोगों को शौक है बढ़िया गाड़ियाँ रखने का, उन्होंने कैप लगा दी कि जनाब 30 लाख रुपए तक ऑटो फाइनेंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और सारी बात है फिर वो आपकी इकोनॉमिक हेल्थ देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, फिर आपको देते हैं, बिकॉज वो सारे का सारा पैसा यहाँ उसमें चला गया था, और वो अनप्रोडक्टिव सी काम है, यहाँ आप गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़े मसले हैं। तो अभी वो जो पैसा है उसको बिजनेस में कन्वर्ट डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि बिजनेस हो, कारोबार चले, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये हो। लेट्स सी आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल आउटलुक है वो इंतहाई नेगेटिव है, इसको ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स अलहदा कह रही हैं, IMF अलहदा कह रहा है, और रोज़ाना की बेस पे जो आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं चीज़ें वो अलहदा। लेट्स सी हम कहाँ जा रहे हैं, ये ना और डॉलर 200-300 का हो जाए, और मज़े की बात है इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनिया अफोर्ड कर सकती हम नहीं कर सकते, इसके लिए तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और मुल्क के लिए आइंदा के लिए रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि किधर जाना है, क्या इसी तरह लड़ते बिड़ते रहना है या कि कोई और भी हमारे पास सोल्यूशन है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।